ऐसा हो सकता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों को यह पता ही ना हो कि आप एक जीनियस हो। अब आप यह सोच रहे होंगे कि यार मेरे तो कभी मार्क्स भी अच्छे नहीं आते और ना ही मेरे से कोई ढंग का काम होता है, तो फिर मैं जीनियस कैसे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फैक्ट्रैक और आज मैं आपको 10 ऐसी कमाल की बातें बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपने अंदर छिपे एक जीनियस को ढूंढ पाएंगे। मुझे पता है कि आपको ये सारी बातें मजाक लग रही होंगी, लेकिन आपको बता दूं कि वैज्ञानिकों ने अलग अलग इंसानों पर सालों के रिसर्च के बाद कुछ ऐसे साइंस यानी कि लक्षणों का पता लगाया है जिससे कि आप यह जान सकते हो कि आप एक जीनियस हो या नहीं। इसलिए यह वीडियो पूरी तरह से साइंटिफिक है, सो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि यह वीडियो आपके बहुत काम की है। दोस्तों, यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाया है, इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद इसका पार्ट 2 देखना ना भूलें जो कि मैं जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो। दोस्तों, अगर आपको बचपन से बाएं हाथ से काम करने की आदत है तो आप खुश हो जाइए क्योंकि आप बेशक एक जीनियस हो। यूनिवर्सिटी ऑफ एथेंस के कुछ साइंटिस्ट्स का ये कहना है कि लेफ्टीज यानी कि जो बाएं हाथ से काम करता है उनकी मेमोरी यानी कि याद रखने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। इतना ही नहीं, उनका माइंड बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है यानी कि ऐसे लोग किसी भी सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। ऐसे लोग जो किसी भी काम को अपने बाएं हाथ से करते हैं वे डिफरेंट थिंकिंग के लोग होते हैं और ऐसे ही लोग हमेशा कुछ न कुछ नया और क्रिएटिविटी के बारे में सोचते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, अपने आसपास नज़र घुमाइए और ढूंढिए क्या कोई है जो अपने बाएं हाथ से काम करता हो। नंबर 2, अगर आप मजाकिया हो। एक स्टडी के मुताबिक दुनिया भर के कॉमेडियंस की IQ बाकी के नॉर्मल इंसान की IQ से ज़्यादा होती है। जहाँ जनरल पॉपुलेशन की IQ लेवल 90 से 110 के लगभग होती है, वहीं मेल कॉमेडियंस की IQ लेवल 138 और फीमेल कॉमेडियंस की IQ लेवल 120 के आसपास होती है। चलिए अब इसका सीधा सीधा एक एग्जांपल देता हूँ। बॉलीवुड हो या हॉलीवुड या फिर यूट्यूब, इन सबसे फेमस हो रहे कुछ न कुछ कॉमेडियंस को आप जानते होंगे। क्या आपने कभी गौर किया है कि ज़्यादातर कॉमेडियंस मेल हैं। एक मजाकिया इंसान बहुत ही क्रिएटिव होता है। अगर आप भी किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो बहुत ही मजाकिया है तो आपने गौर किया होगा कि वह इंसान किसी भी एक नॉर्मल बात को कैसे मजाक में कन्वर्ट कर देता है। साथ ही साथ आपने यह भी देखा होगा कि वैसे इंसान की टॉकिंग स्किल दूसरों से बेहतर होती है, यानी कि एक कॉमेडियन यह बखूबी जानता है कि लोगों से कैसे बात किया जाता है। नंबर 3, अगर आपको अपने आप से बात करने की आदत है। बिल्कुल सही सुना, जिन लोगों को खुद से ही बातें करने की आदत होती है वे नेचर में बहुत ही शांत और स्थिर होते हैं। अब देख लो ना, आज की बिजी शेड्यूल वाली दुनिया में शायद ही कुछ गिने चुने लोग होंगे जिनके पास खुद के लिए वक्त होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रोज थोड़ा बहुत वक्त निकालकर खुद से बातें करते हैं, बाकी लोगों की तरह नहीं जो ऑफिस से आए, खाया पिया और सो गया। आज ये ठीक था, वो काम मैंने ठीक नहीं किया, कल क्या क्या करना है, वगैरह वगैरह। ये कुछ उदाहरण है अपने आप से बात करने का। एक स्टडी में यह पता लगाया गया है कि जो इंसान खुद से बातें करता है वह बड़ी आसानी से अपनी तनाव को कम कर सकता है, क्योंकि खुद से बातें करने से क्लैरिटी ऑफ थॉट आता है जिससे कि आप आसानी से किसी भी डिसीजन को ले सकते हो। सो फाइनली, अगर आपको भी खुद से बातें करने की आदत है तो विदाउट एनी डाउट आप एक जीनियस हो। नंबर 4, अगर आप दुबले पतले हो। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बेकार की बात है, कुछ भी। अगर ऐसा होता तब तो दुनिया के सारे दुबले पतले लोग जीनियस होते, लेकिन फ्रेंड्स कुछ ऐसा ही है। जी हाँ, एक्चुअली फ्रांस में हाल ही में हुई एक स्टडी के अनुसार जिन लोगों के BMI वैल्यू यानी कि बॉडी मास इंडेक्स 20 या उससे कम होता है उनकी मेमोरी यानी कि याददाश्त उन लोगों से बेहतर होती है जिनकी BMI वैल्यू 30 या फिर उससे ज़्यादा है। अब आप पूछेंगे कि ये BMI क्या है,
और आप अपना BMI वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। दरअसल BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स किसी इंसान की उसके हाइट और उसके वेट के आधार पर उसके बॉडी फैट लेवल को मेजर करने का एक फॉर्मूला है। मतलब कि घुमा फिराकर BMI वैल्यू से ये पता चलता है कि आप कितने मोटे हो या फिर कितने पतले हो। अब अगर आपको अपना BMI वैल्यू निकालना है तो सीधा सीधा आप अपने टोटल बॉडी वेट को अपने हाइट से डिवाइड कर दो, आपको अपना बॉडी मास इंडेक्स पता चल जाएगा। फिलहाल BMI को रखते हैं साइड में, क्योंकि इसकी पूरी डिटेल मैं किसी दूसरे वीडियो में दूंगा। तो साफ साफ आसान शब्दों में, अगर आप ज़्यादा चर्बी वाले इंसान नहीं हो देन ऑफकोर्स यू मे बी अ जीनियस। और मैं ये नहीं कह रहा कि मोटे लोगों का दिमाग भी मोटा होता है, बट बॉस एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ट्रेट्स जिससे यह जान सकते हो कि आप सीक्रेटली जीनियस हो। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो का पार्ट टू देखना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कुछ और भी हैरान करने वाले ट्रेट्स के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।